मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए 23 अप्रैल को हुए मतदान की मतगणना 23 मई को प्रातः 8 बजे मंडी समिति परिसर में स्थित स्टेट वेयर हाउस के गोदामों में बनाए गए मतगणना हॉलों में प्रारंभ हुई। मतगणना को लेकर आज जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मतगणना हॉल में मोबाइल आदि ले जाना वर्जित होगा। मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार 14-14 मतगणना टेबल लगाई जाएंगी, जिसके लिए एक एक मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधित अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी। देखिए, मैंने पूरे अरेंजमेंट के बारे में आपको ब्रीफ कर दिया है, ठीक है। और मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा वाइज जो है असेंबली सेगमेंट वाइज मतगणना होगी प्रत्येक विधानसभा वाइज। और जैसा कि आप अवगत हैं कि मंडी परिषद मझोला में मंडी समिति मझोला का जो गोदाम है वहाँ पे इसकी काउंटिंग होगी, और काउंटिंग में विधानसभा वार काउंटिंग होगी, जिसमें 25 कांट विधानसभा है, 26 ठाकुर द्वारा है, 27 मुरादाबाद देहात है, 28 मुरादाबाद नगर है, और फिर 29 कुंदरकी है, 38 हमारा बिलारी। तो कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग यहाँ पे मुरादाबाद में होगी। और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 3 ऑब्जर्वर हमारे जनपद में तैनात हुए हैं। मुरादाबाद नगर विधानसभा के लिए 1 ऑब्जर्वर तैनात हुए हैं, बाकी हमारे 25 कांट, 26 ठाकुर द्वारा और 27 मुरादाबाद देहात के लिए हमारे जो जनरल ऑब्जर्वर थे वो अपॉइंट हुए हैं, और बिलारी और कुंदरकी विधानसभा के लिए सेपरेट ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए हैं। सर, जो वीवीपैट की गिनती होगी वो किस तरह, एक साथ होगी, अलग अलग होगी? वीवीपैट की जो, उसमें देखिए, जब ईवीएम से काउंटिंग हो जाएगी तो ऐसी मशीनें जिनसे रिजल्ट रिट्रीव नहीं हो पाया ईवीएम काउंटिंग के दौरान, या दूसरे ऐसी हैं कि जिसमें सीआरसी मॉक पोल के समय पीठासीन अधिकारी ने उसको क्लियर करना भूल गया, ऐसी जो मशीनें हम लोगों ने रिपोर्ट की है कमीशन को, उन मशीनों को, फिर 56D के अंतर्गत अगर कोई केस आता है तो उस मशीन को, और फिर लास्ट में हम जो लॉटरी से 5 मशीनें चूज करेंगे उन मशीनों को निकालेंगे, और इसमें 1x1 काउंटिंग होगी। एक लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।